100 रुपीज से कम के टॉप टू स्टॉक जो फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, साथ ही में बहुत ही शानदार वैल्यूएशन पर भी देखने को मिल रहे हैं। अगर हम अपने पहले स्टॉक की बात करें तो वो है ट्राइडेंट लिमिटेड। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका मार्केट कैप है 19,007 करोड़ का। वहीं स्टॉक की पीई की बात करें तो 24 का इसका पीई चल रहा है। वहीं आरओई की बात करें तो 23 का इसका आरओई है। अगर हम इसकी बैलेंस शीट देखें तो कंपनी ईयर बाई ईयर लगातार ग्रोथ कर रही है। और एनालिस्ट रेटिंग की बात करें तो 100% एनालिस्ट सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस स्टॉक में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने दूसरे स्टॉक की बात करें तो वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम सेल के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर हम फंडामेंटल देखें तो 35,958 करोड़ का इसका एक दिग्गज मार्केट कैप है। वहीं स्टॉक के पी की बात करें तो बहुत ही शानदार इसका पी है, 3 का इसका पी चल रहा है। वहीं आरओई की बात करें तो 25 का इसका आरओई है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो ईयर बाई ईयर कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. टॉप बायर और टॉप लूज़र वो आपको आइडेंटिफाई करना है। वो आपको एनएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। वो लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। ये काम आपको डे ऑफ द एंड करना है। ट्रेडिंग चालू करने से पहले आपको स्टॉक का लिस्ट तैयार रखना है कि उस दिन आपको कौन से स्टॉक में काम करेंगे। और लिस्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या उस स्टॉक में वॉलेटिलिटी है या नहीं है। वॉलेटिलिटी देखने के लिए आप एनएससी वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं। आप वहां से एक्सेल शीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं। Keep the round in sight.
sky on your mind.